अमेरिका और चीन की टेंशन हर रोज बढ़ती जा रही है। एक तरफ चीन ने समंदर में अपनी ताकत दिखाई है तो दूसरी तरफ उसने अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल ये कि शी जिनपिंग की 2.5 साल के पीछे की कोई साजिश छिपी है या फिर उन्होंने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। चीन ने विवादित समंदर में ताकतवर डिस्ट्रॉयर को क्यों उतारा? क्या दक्षिण चीन सागर में बारूदी युद्ध का ऐलान हो चुका है? चीन की नेवी के इस डिस्ट्रॉयर का वजन इतना ज्यादा है कि समंदर के सीने में उठा तूफान सुनामी जैसा खौफ पैदा कर रहा है। साउथ चाइना सी में इतनी हलचल क्यों है? क्या चीन ने अमेरिका को युद्ध के लिए ललकार दिया है? आपको यूक्रेन और रूस से भी बड़े युद्ध के खतरे पर सबसे सच्ची रिपोर्ट दिखाएंगे। अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि दक्षिण चीन सागर में हो क्या रहा है। तो ये चीन का युद्धाभ्यास है। इसमें चीन की नेवी ने 10,000 टन यानी 1 करोड़ किलोग्राम वजनी विशाल डिस्ट्रॉयर को उतारा है। अपने सबसे नए और ताकतवर डिस्ट्रॉयर टाइप 055 से बरसे बारूद के जरिए चीन क्या जताना चाहता है, आपको आगे बताएंगे। अभी तो सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या चीन के टाइप 055 के जवाब में अमेरिका भी अपने पावरफुल डिस्ट्रॉयर DDG-51 की ताकत दिखाएगा? क्या चीन के इस ताकतवर डिस्ट्रॉयर के मुकाबले अमेरिका भी अपने खतरनाक डिस्ट्रॉयर को साउथ चाइना सी में उतारेगा? तो क्या इस समंदर में चीन और अमेरिका के बीच युद्ध का आगाज हो जाएगा? ऐसा कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ आपको बताएंगे। फिलहाल आप दक्षिण चीन सागर में चीन की नौसेना की जंगी नुमाइश देखिए। अमेरिका से चीन की टेंशन चरम पर है। ऐसे में इस युद्धाभ्यास पर पूरी दुनिया की नजर है। चीन की नेवी ने टाइप 055 डिस्ट्रॉयर की अगुवाई में दक्षिण चीन सागर में वॉर एक्सरसाइज की है। खुद उसके प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसकी खबर छापी, इंटरनेट पर वीडियो रिलीज किया। हालांकि इस सफाई के साथ कि इस ड्रिल का मकसद किसी को डराना नहीं है, किसी को निशाना बनाना नहीं है, इसका मकसद चीन की सुरक्षा को दुरुस्त करना है। चीन की नेवी की दक्षिणी थिएटर कमांड ने टाइप 052 डी डिस्ट्रॉयर चांगशा और टाइप 054A फ्रेगट लियू झाओ और यूए यांग के बेड़े को इस युद्धाभ्यास में उतारा। दक्षिण चीन सागर में चीन के इस नौसैनिक बेड़े ने 80 घंटे से ज्यादा वक्त तक अपनी ताकत दिखाई। चीन के सरकारी वीडियो न्यूज एजेंसी CCTV के मुताबिक नेवी ने लगातार 4 दिन और 3 रात तक जंगी अभ्यास किया। इस दौरान एंटी शिप, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी सबमरीन एक्सरसाइज की गई। इस अभ्यास में शामिल चीन के हर शिप ने अलग अलग और फिर एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन किया। चीन भले ही इसे रूटीन अभ्यास बता रहा हो, लेकिन सच ये है कि जिस तरह से अमेरिका ने हाल में फिलीपींस के साथ साउथ चाइना सी में अब तक की सबसे बड़ी ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज की है, चीन ने उसी के जवाब में अपने खतरनाक नौसैनिक बेड़े के साथ ये अभ्यास किया है। अमेरिका और फिलीपींस ने 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास किया था। दोनों देशों के बीच ये अब तक की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज थी। इस अभ्यास में अमेरिका ने हिमार्स रॉकेटों और पैट्रियट मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। दक्षिण चीन सागर पर कई देशों का हक है, लेकिन चीन इस समंदर पर अपनी हुकूमत चलाना चाहता है, जो अमेरिका को मंजूर नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका ने इस समंदर में अपनी सक्रियता काफी बढ़ा दी है। चीन की दादागिरी के जवाब में अमेरिका अपने दोस्त देशों संग साउथ चाइना सी में लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। इससे चीन बौखलाया हुआ है। ऐसे में हालिया एक्सरसाइज से पहले चीन ने टाइप 055 डिस्ट्रॉयर डालियान को लगातार 28 दिनों तक इस समंदर में दौड़ाया था।
दावे के मुताबिक दक्षिण चीन सागर में चीन के इस डेस्ट्रॉयर ने करीब 14,816 किलोमीटर की परिधि में ताकत दिखाई थी। अब नए अभ्यास के जरिए चीन ये जाहिर करना चाहता है कि वो इस समंदर में अमेरिका से सीधी टक्कर के लिए तैयार है। इससे पहले दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका कई बार आमने सामने आ चुके हैं। इसी साल फरवरी में अमेरिका और चीन के एयरक्राफ्ट करियर बेहद करीब आ गए। पहले अमेरिका ने चीन के करीब समंदर में परमाणु ताकत से लैस अपने एयरक्राफ्ट करियर निमित्स को उतारा। इसके बाद बौखलाहट में चीन ने भी बड़ा फैसला किया और उसने अपना शेनडोंग एयरक्राफ्ट करियर उतार दिया था। मार्च 2022 में भी दोनों देशों की टक्कर हो चुकी है। तब पूर्वी चीन सागर में चीन के लड़ाकू विमान J-20 और अमेरिका के F-35 में मुठभेड़ हुई थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब चीन और अमेरिका के दो विध्वंसक लड़ाकू विमान आमने सामने आ गए थे। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई दक्षिण चीन सागर में है, जहां हर साल करीब $4 ट्रिलियन के सामानों की आवाजाही होती है। लेकिन चीन इस वाटर वे को अपनी मिल्कियत समझता है, जबकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनोई, मलेशिया और वियतनाम भी इस समंदर पर दावा करते हैं। इन देशों के दावों को अमेरिका खुलकर समर्थन देता है। चीन की सबसे शक्तिशाली मुल्क बनने की मंशा किसी से छिपी नहीं है। वो दुनिया के हर कोने में अमेरिका को पछाड़ना चाहता है, लेकिन अमेरिका भी अपने इरादे पहले ही जता चुका है। वो ताइवान से लेकर हर उस इलाके में चीन की चालबाजी पर अंकुश लगाना चाहता है, जहां शी जिनपिंग अपनी बादशाहत कायम करना चाहते हैं। चीन पर नकेल के लिए अमेरिका लगातार एक्शन में है। इसका ताजा सबूत दक्षिण कोरिया में हो रहा युद्ध अभ्यास है। इसमें अमेरिका और साउथ कोरिया के सैनिक युद्ध अभ्यास में जुटे हैं। इस वॉर एक्सरसाइज में लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। टैंक और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर बारूद उगल रहे हैं। फाइटर हेलीकॉप्टर तूफानी उड़ान भर रहे हैं। चीन और अमेरिका आपसी रिश्तों में तल्खी की बात कबूल करने से परहेज भी नहीं करते और बातचीत से रिश्तों की खाई पाटने की दुहाई भी देते हैं। Well, move in the same direction with China. We hope that the United States will work together with China to increase dialogue, to manage differences and also to expand our cooperation. चीन की दादागिरी पर नकेल कसने के लिए अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर भी बहुत बड़ा फैसला लिया है। जापान के हिरोशिमा में G7 के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जिस गर्म जोशी से गले मिलते दिखे, उससे भी शी जिनपिंग की बेचैनी बढ़ गई है। इस मुलाकात के बाद अब बड़ी खबर सामने आई है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी खत्म करने के लिए भारत और अमेरिका ने बड़ा प्लान बनाया है। इस प्लान से प्रशांत महासागर के द्वीपों में चीन की सेना का प्रभाव बढ़ाने की मंशा धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि ऐसा पहली बार होने वाला है जब भारत और अमेरिका एक साथ सेना प्रमुखों का सम्मेलन करेंगे। इस सम्मेलन में भारत और अमेरिका के सेना प्रमुखों के साथ प्रशांत महासागर के देशों के सेना प्रमुख भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया पापुआ न्यू गिनी की कामयाब यात्रा के बाद अब भारत और अमेरिका के साथ प्रशांत महासागर के देशों के सेना प्रमुखों की मीटिंग पर हर किसी की नजर टिकी है। ये बैठक इसी साल सितंबर में होने की उम्मीद है। दावे के मुताबिक दिल्ली में प्रस्तावित इस बैठक की अगुवाई सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे करेंगे।